तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दें। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना गया है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में हमें हर प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। शिव पुराण में यह कहा गया है कि जो भी मनुष्य सावन के महीने में शिवलिंग पर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाता है, वह शिव जी के विशेष कृपा का अधिकारी बन जाता है। साथ ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसे धन और धान्य की प्राप्ति होती है। किंतु किसी भी मनुष्य को शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसी के साथ ही शिव पुराण में ऐसे 10 संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि किसी मनुष्य को इन 10 में से कोई एक संकेत मिलता है, तो उस पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव जी उसकी मनोकामना को अवश्य ही पूरे करेंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, सावन के महीने में समस्त चराचर आपको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की पूजा आराधना करते हैं, किंतु जब आप अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें कौन से संकेत देते हैं जिससे आपका भक्त समझ जाए कि आप उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं? देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती को इन 10 संकेतों के बारे में बताया है, जिनके बारे में आप सभी को अवश्य ही जान लेना चाहिए। सबसे पहला संकेत, यदि किसी मनुष्य को सावन के महीने में सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, अथवा वह खुद को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखता है, तो उस व्यक्ति को महादेव यह संकेत दे रहे हैं कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और वे उसकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। दूसरा संकेत, सफेद नंदी के दर्शन। यदि आप सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर को जा रहे हैं और रास्ते में आपको सफेद नंदी के दर्शन होते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकता है। तीसरा संकेत, नाग देवता का दिखाई देना। सावन के महीने में अगर आपको नागराज के दर्शन होते हैं, तो यह महादेव का ही संकेत समझना चाहिए। शिव जी आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। सावन के महीने में सपने में भी नाग के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है, आपको जल्दी ही कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। चौथा संकेत, अगर आपको सावन के महीने में ऐसा कोई सपना दिखाई देता है जिसमें आप कोई बाहर चल रहे हो, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत दर्शाता है कि आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने वाली है। पांचवा संकेत, सावन के महीने में अगर आपको सपने में भगवान शिव का कोई मंदिर दिखाई देता है, तो इसे भगवान शिव का ही संकेत समझना चाहिए। शिव जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और वह जल्दी ही आपकी कोई इच्छा पूरी करेंगे। छठा संकेत, अगर सावन के महीने में आपको सपने में त्रिशूल अथवा डमरू दिखाई देता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शिव जी आप पर प्रसन्न है। सपने में त्रिशूल या दिखाई देना दुखों के नाश का संकेत है और डमरू का दिखाई देना आपके जीवन में आने वाले खुशियों का इशारा होता है। सातवां संकेत, अगर आपको सावन के महीने में सपने में किसी नदी के दर्शन होते हैं अथवा आप किसी नदी में खुद को स्नान करते हुए देखते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। भगवान शिव आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी समस्त पापों का नाश हो चुका है और आपकी आत्मा पवित्र हो चुकी है। यदि आपको सावन के महीने में बाहर जाते समय मिट्टी के घड़े में दूध भरा हुआ दिखाई देता है, तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। महादेव आप पर बहुत अधिक प्रसन्न हैं और वे आपकी दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। यदि आपको सावन के महीने में अचानक किसी स्थान पर अघोरी साधु के दर्शन होते हैं अथवा कोई अघोरी साधु आपके द्वार पर आता है, तो इसे साक्षात महादेव का ही संकेत समझना चाहिए।
महादेव आपको संकेत दे रहे हैं कि वे आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूरी करेंगे। यदि सावन के महीने में आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो उस कुत्ते की सेवा अवश्य करें और उसे रोटी अवश्य खिलाएं। आपकी सभी संकटों का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी इनमें से कोई संकेत मिले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।